अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, शालू मेरी बच्ची आई है। शालू, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। इतने सालों बाद तुझे इस घर की याद आई है, हाँ? लक्ष्मी की बहन? हाँ, लक्ष्मी दी की बहन। और मैं आयुष की पत्नी। आ गए ना आंसू, और मैं समझ रही हूँ कि क्यों आए हैं। लग तो ऐसे रहा है जैसे नानी को गले लगा के इसे आंसू आ गए, लेकिन सच तो ये है कि ये आंसू है तुम्हारे दिल टूटने के। आयुष को खोने का जो दर्द है ना, ये उसके आंसू है। इतने सालों में एक बार भी दादी की याद नहीं आई, कभी नहीं आई। मैंने तो तुझ में और लक्ष्मी में कभी फर्क ही नहीं किया था। तुझे भी अपनी बेटी ही मानते, जानती है ना तू। तो फिर क्यों ऐसे मुंह मोड़ लिया तूने? दादी, दादी बारू और लक्ष्मी दी कहाँ हैं? लक्ष्मी और लेकिन तू लक्ष्मी और पारो के बारे में क्यों पूछ रही है? ये लक्ष्मी वाली बात कि पारो लक्ष्मी की बेटी है, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। ओ गॉड, अब सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। दादी को भी सब सच पता चल गया। क्यों ना पूछूं दादी, पारो मेरी भांजी है और यहाँ मैं दी का साथ देने आई हूँ। आपको तो पता ही है ना दी कैसे दौर से गुजरी है। क्या कहा तूने? पारो, लक्ष्मी, लक्ष्मी की बेटी, लक्ष्मी जिंदा है। क्या लगता है ने कुछ नहीं पता था? लक्ष्मी जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है, मेरी लक्ष्मी जिंदा है। मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान लक्ष्मी जिंदा है। रब्बा तेरा लख लख शुक्र, मेरी लक्ष्मी जिंदा है, लक्ष्मी जिंदा है, लक्ष्मी जिंदा है। लक्ष्मी कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो मुझे। ये क्या पूछ रहा है? ये तो हमें बिना पूछे पता है, ये किसी ना किसी बच्चे की माँ है, या तो वो लड़के रोहन की या फिर वो बच्ची पारो की। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। यही मार दूंगा सबको, इल्ला में कोई समझा। पारो, सब बंद है। यहाँ तो सब बंद है। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया कि पारो तुम्हारी बेटी है? लक्ष्मी कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था? तुम्हारा मुझे ये बताना कि पारो तुम्हारी बेटी है जरूरी नहीं था? लक्ष्मी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं पारो के लिए कितने इमोशंस फील करता हूँ, कितना प्यार महसूस करता हूँ उसके लिए, कितना जुड़ाव, कितना अपनापन महसूस करता हूँ। जिस दिन से पारो मेरी लाइफ में आई है ना, उस दिन से मुझे यही लग रहा है कि कोई रिश्ता है मेरा इसके साथ, ये कुछ तो है। कभी समझ में नहीं पाया कि
कितनी खुशी क्यों महसूस करता हूँ जब भी पारो मेरे आसपास होती है ना। बहुत खुशी दी है उसने मुझे। अभी उसे मिले हुए कितना वक्त हुआ है, लेकिन इतने कम वक्त में उसने मुझे अपना बना लिया। उसे अगर किसी भी चीज़ की तकलीफ पहुँचती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, मेरा दिल थम जाता था, दिल बैठ जाता था। लक्ष्मी वो मेरी अपनी है। हमेशा से फील हो रहा था पारो मेरी अपनी। स्कूल में एक बार किसी ने उसे परेशान किया था, पूरी रात मैं नहीं सो पाया था, मुझे नींद नहीं आई ये सोचकर कि पारो परेशान होगी। इस वजह से मैं भी परेशान रहा, पता नहीं क्यों फील कर रहा था, इतना क्यों इमोशनल हो रहा था पारो के लिए। हो सकता है इसलिए क्योंकि वो रोहन की दोस्त है या फिर वो बच्ची है, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा था, क्योंकि वो मेरी अपनी है, क्योंकि मेरा उससे वो जुड़ाव है। और मैं हमेशा से एक बेटी चाहता था, और ये बात तुम अच्छी तरह किससे जानती हो, वो है मेरी अपनी। मुझे लैट कह के बुलाती, उसने मुझे लैट कह के कहा, बोले डैड मुझे पारो को ढूंढने जाना। बात कर रहा हूं तुमसे, और आज के बाद जब भी मैं बात कर रहा हूं, बात को खत्म करके ही जाना, बात को ऐसे बीच में अधूरा छोड़ के कभी मत जाना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कमाल है ये अमृता विराग चले कहां गए, फोन भी नहीं उठा रहे। मुरली काका जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आइए। फर्स्ट एड क्या हो गया, किसी चोट लग गई? अंकल मैं बताता हूँ, आप फर्स्ट एड किट लेके आइए ना। ओ हेलो, पहले हमें बताओ हुआ क्या है। ताई ने कॉल किया था, वो क्या? विराट 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 क्या विराट, ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ, कैसे हो बेटा? ये फाइन मॉम, हम वो इंसान पकड़ा के जिसने पीली थी ना, मन साथ बच के नहीं जा पाया। मैं ठीक हूं सर, आप बैठिए ना। नहीं मैं ठीक हूं। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो बांध बूंद करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुझे। तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम खतरनाक है। ओके फाइन, आपस में कर लो शादी। बेटा मैं तेरे लिए हल्दी दूध लाती हूँ, तू तब तक पट्टी करवा लेना। जी ठीक है। विराट ये चोट लगी कैसे, कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? एक मिनट, ये अमृता आपके साथ थी ना? क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? अरे ओ भास्कर निमी, मैं इत्थे हूं ना, मैं पूछती हूं ना, मुझे बताएगा ना ये? हाँ तो बता ना बेटा, ये सब कैसे हुआ? नीचे गए थे ना कुछ, वो कोई बिजनेस डील की कुछ बात करनी थी तो नीचे गए थे। अरे अपनी शादी के फंक्शन छोड़कर कौन जाता है नीचे? डैड वो जाना पड़ा ना, जरूरी था। जरूरी किसके लिए बताना, किस लिए?
सिगरेट पीने। सिगरेट पीने? क्या? ओ खोते दे पुत्र, तू सिगरेट कब से पीने लगा? क्या डैड, आप बेबे यहाँ बैठी, आप खुद को गाली दे रहे हो। चुप कर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। अब खड़े खड़े इधर उधर क्या देख रही हो, चले वापस। हेलो, मैं समृता, तुमसे बात कर रहा हूँ। और बैंकर, देखो मुझे नहीं पता तुम कौन सी ट्रिप पर हो, पर कोई इंसान जब मेरी बात ऐसे इग्नोर करता ना, मुझे बहुत गुस्सा आता। यही तो आता है आपको गुस्सा करना। एक्सक्यूज मी, किसी ने बोला ना? क्या बोला? मैं क्या बोल सकती? किसी ने कहा है कि मेरा बोलना लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होता है। देखो, इस सब का ना टाइम अभी नहीं है बैंकर, अभी ज्यादा जरूरी है उस इंसान से उसका नाम उगलवाना जिसने ये सब किया है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो चले प्लीज। आप कहीं नहीं जा रहे? कहीं नहीं जा रहे क्या मतलब? अरे आपको चोट लगी है, खून बहा है आपका। हाँ, पर हो गई ना ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हो गया मतलब? वो आपको याद नहीं है अर्चना ने क्या कहा अभी? उसने कहा कि घाव छोटा हो सकता है लेकिन गहरा है, और ज्यादा मूवमेंट की तो मामला सीरियस हो सकता है ना। और क्या है, पुलिस स्टेशन ही तो जाना है ना, मैं चली जाऊंगी। अरे तुम चली जाओगी तो तुम आई क्यों? हाँ, वापस आने की जरूरत ही नहीं थी। अरे वो इंसान कहीं चला गया, जेल से भाग गया, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता बैंकर, यू नीड टू नो। बहुत खतरनाक इंसान है वो, जेल से भाग गया, कुछ हो गया, क्या करेंगे हम? वही रहना चाहिए था ना तुम्हें, वापस क्यों आई? आपको चोट लगी थी, खून बह रहा था, छोड़ देती आपको। अरे हाँ तो छोड़ देती ना, क्या हो जाए। बैंकर इस वक्त ना उस इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे हाथ से इस बार भी निकल गया ना तो। वो अरेस्टेड है पुलिस स्टेशन में, दिन का वक्त है, वो कैसे किसी को चकमा देकर भाग जाएगा? मैं वादा कर रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से वापस लौटूंगी तो हमारे गुनहगार का नाम पता करके लौटूंगी। याद रखना, ये वादा है तुम्हारा। मैं जब पुलिस स्टेशन से वापस लौटूंगी तो उस इंसान का नाम पता करके लौटूंगी जिसने आपको और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ध्यान रखिए। तुम भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। यही चाहते थे ना तुम, और कर दिया तुमने। मेरी बहन को सलाखों के पीछे डलवा दिया। गलत, हर बार की तरह इस बार भी तुम गलत इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। तो अपनी आदत और अपनी जानकारी अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरी बहन को परेशान करोगे और मुझसे जीत पाओगे तो कान खोल कर सुनो। तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से, हर जगह से मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगी। वो सफर नहीं करेगी, इसे नहीं भुगतेगी मेरी बहन। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका, तो तुम गलत हो। मेरी गलती की सजा मैं अपनी बहन को नहीं भुगतने दूंगी। चलो, तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुमने गलत किया है, तुमने मान तो लिया कि तुम सही नहीं हो, गलती तुम्हारी है।
अगर गलती मेरी नहीं होती तो क्या तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करते, उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करते? तुम्हारी बहन के साथ मैं गलत करूं या सही, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है ना, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तुम फिक्र करो, तुम सुकून में रहो, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत के आगे बढ़ सकती हो तो नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को मुझसे बचा सकती हो तो जाओ, जाओ जाके बोल दो उसको, बोल दो जो किया है तुमने किया है और मैं हार गया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी, और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की, और जब मुझे दिखेगा कि वो मुझे अपना सब कुछ मान रही है और मैं उसका सब कुछ बन गया हूं, उसका वजूद, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तब मैं उसको छोड़ दूंगा। तुमने यही किया था ना मेरे साथ, याद है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। तो ठीक है, ये कैसे सवाल कर रही हूँ, यहाँ पे कैसे कोई ठीक हो सकता है? ऊपर तो टेंशन मत ले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, बेल मिल जाएगी तो टेंशन मत ले। हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कोई और बात है क्या? किसी और बात से परेशान है ना, बताना। नहीं दी, वो माँ को लेकर थोड़ा सोच रही थी। माँ को लेकर क्या? देख मुझे पता है तू चिल्लाएगी, सॉरी मैंने नहीं बताया। वो बोलना क्यों, क्या? माँ थोड़ी परेशान है। माँ तुझे लेकर परेशान है? हम सब तुझे लेकर परेशान है। पियू नहीं दी, यहाँ का तो है पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है माँ के साथ, इनफैक्ट हमारे पूरे घर वालों के साथ। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्लीज पियू अभी अभी मुझसे कुछ मत छुपा, प्लीज बोलना। पियू हमारी फैमिली पे कर्जा हो गया है, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, पता नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और एडवांस नहीं लिया तो मार्केट से पैसे उठा लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। कुछ हमारे घर का भी हो गया, रेंट का नोटिस आ गया है, पेनल्टी लग गई है, पता नहीं थी बहुत कुछ हो गया है। और दिया ने बताया कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई और मुझे किसी ने बताया नहीं। थी तू जानती ना माँ को, वो नहीं बताती, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पियो, अभी मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, हम तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तेरी बेल भी हो जाएगी, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। नहीं थी तू, उल्टा तू मेरी चिंता मत कर, तू एक काम कर, तू घर जा, तू माँ के पास जा, उनके साथ रह, उनकी जो भी प्रॉब्लम है तू सॉल्व करने का ट्राई कर, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आरवी आ गया, उसने मुझे बोला है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं चिंता ना करूं। और तुझे उस पे भरोसा है? खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें छोड़ा जा रहा है, तुम्हारा वकील बेल के पेपर लेकर आ रहा है। हाँ तुम्हें बेल मिल गई है, बहुत बड़ी पहुंच लगाई होगी तभी तुम्हें बेल मिली है, वरना मुझे तो लगा था आज बेल होना मुमकिन नहीं है। मान गए उसे, उसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। किसने बिल करवाया? कौन है? तुम्हारे पति ने, आरवी। आरवी के वकील का फोन आया था कि तुम्हें बेल मिल गई है, तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए पेपर वगैरह तैयार कर लें। आरवी,
मैंने बोला था ना आरवी ने मुझे बोला था चिंता मत करना, उसने भरोसा किया और मेरा भरोसा गलत नहीं गया थी, उसने मुझे बाहर निकाल दिया, फेल करवा दी उसने मेरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। शौर्य, हम आप यहाँ, आप कैसी हो? कैसी हो सकती हो शौर्य, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, तुम्हें पता है हम वेरी हर्ट शौर्य। हम आप मुझे बताइए क्या हुआ है, व्हाई आर यू हर्ट? क्या हो सकता है शौर्य, रीजन तो तू बहुत अच्छे से जानते हैं, वो राजवीर और उसकी मासी, उनके आने के बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं मुझे मेरे ही घर में कोई पूछते ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो लोग फैमिली मेंबर है और मैं गेस्ट हूँ। मामा आप ऐसी बातें मत सोचिए, आप अपने घर में गेस्ट कैसे हो सकते हो, वो राजवीर की मासी को मैं आपकी जगह और ये स्टूपिड राजवीर को अपनी जगह कभी लेने नहीं दूंगा। कैसे शौर्य कैसे, तुम्हें पता है जरा सभी कुछ बोल दो ना, राखी मॉम राशन पानी लेके सबसे चढ़ जाते हैं, वो राजवीर और उसकी मासी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, वो दोनों हमारे घर में हमारी जगह ले रहे हैं। पहले मेरे घर में मेरी सुनी जाती थी लेकिन अब तो कोई सुनता भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ही वो राजवीर और राजवीर की मासी हमारे घर में आते हैं हम तो इनविजिबल हो जाते हैं, हमारा जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे ही घर में। Listen to me. आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए, Stop being so stressed about it. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, आपकी इंपॉर्टेंस 0.01% भी कम नहीं होगी, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, पर आपको मुझे यहां से बाहर निकालना होगा, मैं यहां अंदर रह के कुछ नहीं कर सकता, आप देखना जब भी मैं बाहर आ गया ना इनकी तो खैर नहीं है, इन्हें अपने घर में पैर भी रखने नहीं दूंगा मैं। आई नो श्योर, आई ट्रस्ट यू, लेकिन ये कैसे होगा, यू नो करण को मैंने इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, अगर वो आधी प्रॉपर्टी संशुमन के नाम कर देता तो तुम बाहर आ जाते ना, लेकिन नहीं, करण को कोई केयर नहीं है, वो तो बस सारा टाइम राजवीर राजवीर राजवीर। हाँ शौर्य, मैंने तुम्हारे डैड से बात करने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, वो सिर्फ उस राजवीर की मासी और उस राजवीर की केयर करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी ना उनके नाम करना चाहते हैं। मॉम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया मैडम, आप जाइए, आप बस मुझे बाहर निकालने पे फोकस कीजिए मॉम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, आप इसे अपसेट मत रहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी, ओके आप जाइए। Take care of yourself. Yes, ma'am. You too. I'll try my best. तीर मैंने चला दिया है, अब आगे का काम शौर्य करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मासी ने बिल्कुल सही कहा। सही तो कह रही हूँ लेकिन हमें एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी सोच लेना चाहिए। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, मतलब अगर तुम सब लोग कहते हो तो मैं अंशुमन पांडे के घर एक बार फिर से जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर यही है एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, उसके घर जाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो इंसान कुछ समझने लायक कुछ बात करने लायक वैसे है नहीं, और उसके घर जाकर बात करेंगे और वो कुछ ऐसा करेगा कि हम ही फंस जाएंगे, तो ये आइडिया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर आप लोग मेरे सोल्यूशन को मानेंगे तो शौर्य शायद जेल से बाहर आ सकता है। क्या सोल्यूशन? सी, अंशुमन पांडे ने कहा था कि हम अगर उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो वो शौर्य को रिलीज करवा देगा, केस वापस ले लेगा। करण, अगर हम उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो हमारा शौर्य घर आ जाएगा।
निधि कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों दूंगा मैं उसे आधी प्रॉपर्टी? मैं उसे एक बेला नहीं दूंगा। आधी प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है? कि हम मान गए कि शौर्य ने गलती की है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा, उसे कुछ नहीं दूंगा मैं। अरे शौर्य को फंसाया है उसने, अंशुमन पांडे की चाल है ये, ट्राई अंडरस्टैंड, क्यों दूं उसे आधी प्रॉपर्टी? मुझे लगता है कि अंशुमन से मिलना तो पड़ेगा ही। राजवीर सुन, तू एक काम कर, तू अंशुमन से किसी होटल में मिल और उसको कॉन्फिडेंस में ले ले, कह के तू उसी के साथ है और उसके मुंह से सच उगलवा ले। छल को छल से ही काटेंगे। बट वो अंशुमन पांडे बहुत ही स्मार्ट है, वो राजवीर पे भरोसा क्यों करेगा? आई डोंट थिंक वो राजवीर के सामने अपनी गलती कन्फेस करेगा। करेगा, करेगा। मुझे पता है उससे कैसे करवाना है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगे करूंगा। थैंक यू। लेकिन प्रीता, आर यू श्योर ये जो आइडिया है ये काम करेगा? करना तो चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को जो भी प्लान करना है ना, करिए, बट मेक श्योर अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसको कुछ नहीं होगा, हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, ये तो डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि शौर्य को लॉकअप से जल्द कैसे बाहर निकाला जाए, और हम उसको निकलवाएंगे। और प्रीता और राजवीर ने जो भी आइडिया दिए, आई एम श्योर वो सारे वर्क करेंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। हेलो, कौन है? दोस्त, दोस्त, मैं हूँ। हीरो, आप मुझे कैसे कॉल किया? मुझे 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 ना बहुत 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 डर लग रहा है यार। दोस्त सुनो ना, जब आप टेंशन में होते हो ना, हाँ, तब मुझे मुझे फोन करते हो ना, हाँ, तो बस समझो आज उल्टा है। आज मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे आपकी जरूरत है। अरे मैं हूँ ना हीरो, हीरो आपके लिए कियान कुछ भी करेगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, सुपर क्या आपकी हेल्प करेगा? दोस्त प्रॉब्लम ये है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी वजह से मुझे ऐसे इंसान का सामना करना पड़ रहा है जिससे मैं बहुत डरता हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसकी ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यार फिर मुझे ना मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं उन्हें कैसे फेस करूँ। आप मेरी हेल्प करो ना प्लीज। अरे हीरो मुझे भी वैसे फील होता है जब भी अपना मैच का मॉक मेरी टीचर को बताने जाता हूँ। तो सुनो ना, आप ऐसे में क्या करते हो? मैं अपनी जान का कहना मानता हूँ, अगर डर लगे तो मैं हनुमान चालीसा बोलता हूँ। चालीसा? आप अपना हाथ हाथ पे रखो, हाँ, और बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। ओ हीरो, लगता है कि वो
इंसान आपके सामने आ गए। डोंट वरी। जी हनुमान। ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मजा आ गया, मुझे तो लगा अब तक तेरे पाने तुझे ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया होगा। मैं भी रफू चक्कर होने के लिए तैयार हो चुका था अपनी पूंछ दबा के, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। कपड़े बैग से रिहा हो गए, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद तूने अपने पा का सामना किया और उन्होंने तुझे कुछ नहीं किया। तू मेरे सामने खड़ा है हट्टा खट्टा साक्षात, कहां से इतना गुदा कहां से आया तेरे में ये सब करने का है? एक 2 फुट के बच्चे से यार कियान के साथ किए हुए उस हनुमान चालीसा जाप से ना मुझे ऐसी पावर मिली। बोली जो कुछ मैं फील कर रहा था ना वो मैंने सब कुछ कह दिया पा को और उन्होंने सुन भी लिया। वाह क्या बात है, अब बस तुझे पा के दुश्मनों को पकड़ के सामने लाना है। हाँ यार उसके लिए जरूरी है जानवी से सच उकलवाना। क्या करूं यार वो हर बार बच निकलती है, उसे पकड़ू भी तो कैसे। इधर आ। कहां लेके जा रहे? अरे तू आना कहां देख ऐसे, अरे देख अपने आप को क्या लुक्स है, क्या बॉडी शॉडी है, अरे क्या नहीं है तेरे पास। भूल गया वो दिन जब लड़कियां तुझ पे लट्टू हुआ करती थी, बस ऐसे ही अपना मैजिक चला जानवी पे और फिर देख सब बता देगी तुझे। तू पागल है, पागल हो गया तू, पागल होली। सुन तो सही, लड़कपन की बातें और थी यार। मैं माना मुझे लड़कियों से बात करनी आती है ओके, पर इसका ये मतलब नहीं कि उस जॉन लिवी के साथ फ्लर्ट करूंगा। That's impossible, never ever. सुन आर्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पा के दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता जानवी से होकर ही जाता है। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, सीधा पूछने से जवाब तो मिला नहीं, अब शायद अपना मैजिक चला के उसे सच निकलवाना पड़ेगा। सच जानने के लिए अब मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, झूठे प्यार का सहारा। हमें नहीं पता, हमसे देने के लिए कहा गया। पर किसने? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चिमचिम बेटा, नंदू, रोको ना शक्ति को, देखो ना बिचारी को,
ऐसी हालत हो गई है उसकी। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाए। पर उसे शिव को नहीं रोकना चाहिए। शिव के लिए यही बेहतर होगा कि वो चला जाए। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस ठीक होने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ठीक होके वापस आ जाऊंगा, फिर होगा शिव का रिटर्न। शिव शक्ति थोड़ी देर के लिए फार हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते ना। है ना बड़ी, फिर मैं तुम्हारा पापा बड़ी बन के नहीं, प्रॉपर पापा बन के आऊंगा। फिर जब मैं वापस आऊंगा ना, मैं एकदम ठीक होके आऊंगा। फिर मुझे सबकी बातें समझ आएंगी, सब लोग मुझे भी समझेंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा। मैं जल्दी ठीक होके आऊंगा शक्ति, और जब आऊंगा ना, मैं हमेशा ऐसे हग्गी करके रखूंगा। कभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। मैं हमेशा स्माइल कराऊंगा। अभी मेरे ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया है ना, जब वो ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा वापस। डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाए। परफेक्ट, जाओ शिव जाओ, बाय बाय। रुक जाइए, बेटा, नंदू, रोको ना शक्ति को, देखो ना बिचारी को, कैसी हालत हो गई है उसकी। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाइए। पर उसे शिव को नहीं रोकना चाहिए। शिव के लिए यही बेहतर होगा कि वो चला जाए। सबके लिए यही बेहतर होगा, माँ के लिए, कार्तिक के लिए। प्लीज प्लीज जाके शक्ति को रोको, उसे समझाओ कि वो शिव को जाने दे। राजे भैया के लिए यही सही है। प्लीज रुक जाओ, समझो बात को। नंदू भैया छोड़िए हमें, वो जा रहे हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। हम ना इनकी वाइफ है, इनके गार्डियन है, ना तो हमने किसी पेपर पे साइन किया, और ना ही हमने कहा है कि इन्हें पागल खाने लेके जाए, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो ये पागल खाने जाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको जेल हम भिजवा कर रहेंगे। चले, देर हो रही है। ओहो, मैं तो डर गई। डर तो अब तेरी और तेरे शिव की जिंदगी का हिस्सा बनेगा शक्ति। कुछ भी कर ले, शिव अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। रुकिए, रुकिए, रुकिए। Thank you.
डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनका एडमिशन हो गया है हमारे अस्पताल में, मैं लेकर जाना होगा। एक इंसान जो एक पागल इंसान की बात सुन रहा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। आप खुद पागल हुए ना? हम तो कहते हैं कि खुद को पागल खाने में एडमिशन दिलवा दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि एक फोन कॉल आया, कहा उसने कि उसे पागल खाने ले जाए, तो आप उसे लेके जा रहे हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी सबूत के। देखिए, हम ना इनकी वाइफ है, इनके गार्डियन है, ना तो हमने किसी पेपर पे साइन किया और ना ही हमने कहा है कि इन्हें पागल खाने लेके जाए, इससे ये कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो ये पागल खाने जाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको जेल हम भिजवा कर रहेंगे। ऐसे क्या देख रहा, नीचे उतरिए। शक्ति ऐसे मत करो ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। हम भी आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए बाहर आइए, बाहर आइए। देखिए, ये सब मत कीजिए वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नीचे आइए। लेकिन चुप, आपके मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। मगर शक्ति, और बैग कौन उठाएगा? आप लोग जाइए, डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर त्रिवेदी, आपने जो हमारी बहुत हेल्प की उसके लिए थैंक यू, पर आई थिंक आप जा सकते हैं। मन लगता है आपका यहाँ पर? नींद आती है क्या आपको यहाँ पर? मतलब मेरे कमरे में सोने की आदत लग गई होगी ना आपको? मिस्टर त्रिवेदी, बहुत हेल्प की आपने हमारी, थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। डू यू मिस मी? बताइए ना, डू यू मिस मी? मिस करते हो क्या आप मुझे? आई होप आप मुझे मिस करते होंगे। मतलब मेरे कमरे के बेड के आधे हिस्से पर आप सोया करते थे और आधे पर आपकी सबसे बड़ी भक्त, इसलिए आई होप बाकी भी अर्जी आपने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि किसी और ने तो बिल्कुल नहीं किया। मिस्टर त्रिवेदी, थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए, पर अब आप जा सकते हैं। जाइए ना मोहन जी, प्लीज। आप बोलिए ना मेरी राधा। मिस्टर त्रिवेदी, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और फिर से कह रही हूं, मेरा और मेरे बेटे का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली हरकतें करना बंद करेंगे प्लीज। देखो, तुम जो हो ना, तुम भी मेरी हो और मनन भी मेरा है मिस्टर त्रिवेदी, और मेहमान नहीं मोहन हो, समझे? बरसाने वाली राधा। देखिए मिस्टर त्रिवेदी, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है और अब मैं कोली फैमिली की बहू हूं। तो आप जो करने की कोशिश करें ना, वो गलत है, आपका कोई हक नहीं है। हक तो है, मेरा प्यार जो है ना, वो मुझे तुम पर भी हक देता है।
हमारे बेटे पर भी। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अब तुम भागते हुए मेरे पास आओगी और पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर ये सच बोलोगी कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझसे प्यार करती हो और मनन हमारा बेटा है। तुम देख लेना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। इतने करीब थे आप, पर फिर भी मैं आपको तोड़कर गले से नहीं लगा पाई। फिर से मैं आपसे ये नहीं पूछ पाई, ये कैसे है आप? यहाँ के इतने सालों तक कहाँ थे, किस बात पे हंसे, किस बात पे रोए, और इतना टाइम क्यों लगा दिया मुझसे मिलने में? मोहन जी, आपकी राधा हमेशा से आप ही थी और आप ही की रहेगी। यकीन मानिए मेरा, मैंने आज तक आपके अलावा मुझे किसी और को छूने तक नहीं दिया। काश मैं आपको तोड़कर गले से लगा पाती मोहन जी, काश मैं आपको ये बता पाती कि इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे आपकी याद ना आई हो। आज भी मैं सिर्फ आप ही से प्यार करती हूँ, सिर्फ आप ही की पूजा करती हूँ। डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कूल डाउन से बात कूल डाउन। नेक्स्ट सवाल किया तो मन्नत को भी बहाना मिल जाएगा और बात घुमा देगी। मुझे मन्नत पे नजर रखनी होगी। अब मुझे वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मन्नत ने किया है। उसकी हर नजर पर खामोशी से नजर रखनी पड़ेगी।
नहीं आ सकता क्या? आई मीन तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ ना मैं? परेशान क्यों हो गई? नहीं नहीं सुभान, परेशानी की क्या बात है, बस वो कल निकाह है मेरा और इतने सारे रिश्तेदार आएंगे, पार्टी होगी, धमाल होगा, मगर मेरी बहन ही मेरे साथ नहीं होगी, इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रही थी बस। जिस मौके पर मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए उसी मौके पर बहुत उदास हूँ। हमारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों खुद जाके इबादत को इस घर में वापस लेकर आएंगे, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तो सब कुछ ठीक होने से रहा, इबादत ने जो किया है उसकी सजा सबसे ज्यादा तुम भुगतने वाले हो। मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो, टेंशन मत लिया करो और कोई टेंशन हो तो मेरे साथ शेयर किया करो। लेकिन ये सुभान यहाँ क्यों आया था? कहीं इससे मुझ पे शक तो नहीं हो गया? शेफाली कौन है? इसे मन्नत ने इतने सारे कॉल क्यों किए? लेट मी चेक। मेरा फोन कहाँ चला गया है? अभी तो यही रखा था। कमरे में तो कोई आया भी नहीं है। अरमान और निगार आए थे पर वो मेरा फोन क्यों लेंगे? सुभान, मेरा फोन कहीं उसके पास तो नहीं है? ये नहीं हो सकता। नो 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 नो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतने गुस्सा क्यों हो तुम और मन्नत पर क्यों चीख रहे हो? मन्नत के सारे झूठ सामने आ रहे हैं नानी अम्मी। मनु, झूठ? कैसा झूठ? कौन सा झूठ बोला है मन्नत ने? एक झूठ तो बताऊं तू अम्मी, मन्नत तो झूठ पे झूठ बोले चली आ रही है। ये अभी भी फरहान के कांटेक्ट में है। अब भी उस फरहान से मोहब्बत करती है। ये देखिए, उसका नाम इसने शेफाली के नाम से अपने फोन में सेव किया हुआ है। हम सब लोग इबादत और रवि चाचू को ढूंढ रहे हैं, राइट? इबादत ने मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी। मुझे लगा शायद वो खतरे में है, मैं उसे ढूंढता हुआ बाहर गया, लाइव लोकेशन था, और तभी मन्नत बाहर आ जाती है। जब मैंने मन्नत से पूछा कि सब बड़ों के मना करने के बावजूद ये बाहर क्यों आई, तो इसने मुझसे झूठ बोला कि मुझे ढूंढते हुए बाहर आई है। पर ऐसा नहीं था दुआ अम्मी, मन्नत फरहान के कहने पर बाहर आई थी। फिर इसने चोट लगने का नाटक किया। मन्नत, चोट कैसे लगी? सुभान, मैं हूं तुम्हारे। तुम बाहर क्या कर रही?
पीछे पीछे आई थी, मुझे क्या पता था मेरा पैर लड़ खड़ा जाएगा। मैं शायद इबादत तक पहुंच भी जाता लेकिन मैं इसे संभालने में लग गया और इबादत तक नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है इबादत और रवि चाचू किडनैप हुए हैं। वो दोनों खतरे में हैं। खुदा खैर करे, इस सुभान को तो सब पता चल गया, पता नहीं अब क्या होगा। मम्मी, अब संभालिए खुद को। ये वक्त बिखरने का नहीं है, इबादत को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैंने उसे एक फेक कॉल किया था, तब मुझे पता चला कि इबादत और रवि चाचू उसी के कब्जे में। सुभान मेरी पहली औलाद है, वो किसी गैर पर भी झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता, फिर तुम तो उसकी मोहब्बत हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।